पढ़ी लिखी काली और गंवार गोरी बहू। पाखी कमरे की सफाई कर रही है। अरे ये सब अगड़म झगड़म क्या पड़ा हुआ है? ये सब तो मैं पढ़ती ही नहीं हूँ और मुझे नहीं लगता कि विक्रम जी के ये किसी काम के हैं। कबाड़ी मैं किलो के भाव में बेच देती हूँ, ये सही रहेगा, कम से कम 10-20 रुपए तो मिलेगा। ऐसा कहकर पाखी उन सारी मैगजीन्स और फाइल्स को इकट्ठा करके घर के बाहर जाती है। तभी कबाड़ी वाला खुद आ जाता है और वो उससे कहती है, अच्छा हुआ कबाड़ी वाले भैया आप खुद आ गए, मैं तो अभी आपको याद कर रही थी। ये सारी रद्दी लो और बताओ इनका कितना हुआ। ये तो सही है, आपने याद किया और हम चले आए। खैर भाभी जी, 2 किलो कबाड़ी है, इसका 40 रुपया हुआ। ये लीजिए 40 रुपए। अरे बहू सुबह सुबह क्या कबाड़ी वाले को दे रही है। तभी अपनी जरूरी फाइल्स को ढूंढता हुआ विक्रम आता है और उसकी नजर कबाड़ी वाले के रद्दी पर जाती है जहां उसकी फाइल होती है, और वो गुस्से से कहता है, हे भगवान, कितनी देर से मैं फाइल ढूंढ रहा हूँ और ये कबाड़ी में किसने दिया है? हाँ माँ, पाखी, आप दोनों में से किसने किया ये? पता है ये मेरी कितनी जरूरी फाइल है, इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ। अरे ये करोड़ों की फाइल है मेरे लिए और तुम दोनों इसे रद्दी के भाव में बेच रही हो, और वो भी 40 रुपए में। मैंने तुम्हारे गोरे रंग रूप को देखकर मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में जरूर अपना लिया है, लेकिन लेकिन हो तुम बिल्कुल गंवार। थोड़ा सा भी पढ़ी लिखी होती ना तो समझ पाती कि मैं क्या बात कर रहा हूँ तुमसे। गंवार कहीं की? सॉरी विक्रम जी, पर मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं नहीं जानती थी कि ये आपकी अपॉइंटमेंट फाइल है। अरे विक्रम, ऐसे कोई बात करता है क्या? बता, मेरी इतनी प्यारी सुंदर बहू को तूने रुला दिया एक फाइल के पीछे। आपका कुछ नहीं हो सकता, आप एकदम अपनी बहू की तरह ही हो। मैं जा रहा हूँ ऑफिस। ओए कबाड़ी वाले, सारी रद्दियाँ यहाँ वापस देकर जा, चल वापस रख। विक्रम के ये बोल सुनते ही कबाड़ी वाला वहाँ से 9:50 हो जाता है और विक्रम भी ऑफिस चला जाता है। तभी दरवाजे पर छोटा बेटा निखिल एक काली लड़की से शादी करके दरवाजे के चौखट पर आता है। तभी दोनों सास बहू देखकर कहती है, निखिल बेटा, ये अमावस की रात जैसी लड़की कौन है तेरे साथ, और तूने इसका हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? बता मुझे, मेरा दिल घबरा रहा है। माँ, ये आपकी बहू है। सच कहूँ तो आपको किंजल काली नजर आ रही होगी, लेकिन मेरी नजर में वो बहुत सुंदर है। दिल की इतनी अच्छी है कि इससे ज्यादा मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता, और मैं चाहता हूँ कि आप इसे भी दिल से अपना लीजिए। कुछ ही दिनों में आपको इसके अच्छे दिल का एहसास हो जाएगा, यकीन मानिए। अरे चुप कर, अपनी काली बीवी को इस घर में अच्छा दिखाने के लिए तो इतनी स्पीच दे रहा है ना, लेकिन मैं इसे अपनी बहू नहीं मानती। अरे जरा मेरी गोरी बहू को देख, कितनी सुंदर है, सुशील है, और ये काली कमली कलूटन, अरे तुझे कैसे पसंद आ गई? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। वही तो माँ जी, कैसी काली सी लग रही है मेरी देवरानी मेरे सामने, पूरे मोहल्ले में हमारी थू थू होना निश्चित है अब। माँ भाभी, आप थोड़ा सा वक्त दीजिए, एक मौका दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि किंजल आपको निराश नहीं करेगी, यकीन मानिए मेरा। बस मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, चल बहू अपने कमरे में जा। ये कहकर दोनों अपने कमरे में चली जाती है। वहीं निखिल भी किंजल को समझा कर अपने कमरे में चला जाता। किंजल, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम एक ना एक दिन माँ को मना ही लोगी, मुझे पूरा विश्वास है तुम पर। निखिल, माँ जी मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन हम जैसी काली लड़कियों के साथ ऐसा क्यों होता है कि उसके ससुराल वाले तो कभी पति तो कभी आसपास के लोग हमें अपनाते नहीं है, क्या हम इतने बुरे हैं? नहीं नहीं मेरी जान, ऐसा भी मत सोचो, बस सब्र करो थोड़ा। ये कहकर दोनों कपड़े चेंज कर लेते हैं। साड़ी पहनकर किंजल रसोई की ओर जाती है तो पाखी उससे मुंह फेर लेती है। दीदी, उन्हें चाय पीनी है, आप मुझे सामान बता दीजिए ताकि मैं उनके लिए चाय बना दूं। आप मुझसे ऐसे मुंह मत फेरिए, काली कट की काली देवरानी जी, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, क्या ये तुम्हें समझ नहीं आता? चाय बनानी है ना, ये रहा सामान, बना लो, और मेरे देवर जी को अपनी तरह काली चाय बनाकर मत पिला देना, कहीं तुम्हारे हाथ की चाय पीकर वो भी काले ना हो जाए। दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हो, थोड़ा सोच समझ कर कुछ बात करिए, मैं आपको अपनी बड़ी बहन मानती हूँ इसलिए आपको कुछ नहीं कहूँगी। आए हुए 2-4 घंटे भी नहीं हुए और देखो जुबान कैसे चल रही है। अच्छा दीदी, भूल जाइए ये सारी बात, ये बताइए आपको क्या पसंद है,
मैं आपके लिए और माँ जी के लिए वही बना देती हूँ। हमें तेरे हाथों से खाने का कोई शौक नहीं है, पता चले खाना भी काला खिला दे। मेरा बस चले तो तुझे घर से बेघर कर दूं। माँ जी, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम काली देवरानी जी से घर का सारा काम करवाए नौकरानी की तरह। मुझे तेरा ये आइडिया पसंद आया। अच्छा सॉरी बहू, मुझे माफ कर दे, कल मैंने तुझे ना जाने क्या क्या कह दिया है। तेरा जो मन है अपने हाथ से और बढ़िया सा नाश्ता बनाकर खिला दे और घर के थोड़े काम कर ले। ठीक है माँ जी। ऐसा कहकर सास अपनी काली बहू से सारा घर का काम करवा लेती है और दोनों सास बहू बहुत ऐश करती है। अगर खाने में नमक मिर्च की कोई कमी हो जाती थी तो दोनों उसे बहुत सुनाती थी और काली होने का ताना तो हमेशा ही दिया करती थी। पड़ोस के लोग सरिता का बहुत मजाक उड़ाते थे। बस बहुत हुआ, तुम लोग तो मेरी काली बहू के पीछे ही पड़ गए हो, लेकिन मेरे पास गोरी बहू है। देखो पाखी कितनी सुंदर है, पूरे शहर को पार्टी में बुलाऊंगी मैं अपनी गोरी बहू दिखाने के लिए। निर्मला कमला तुम भी आ जाना। हाँ हाँ हम आएंगे। सच बताऊं तो तेरी काली बहू मुझे बहुत अच्छी लगती है, जबकि पाखी बहू तो कोई काम नहीं करती। तू सबको बुलाएगी तो रिपोर्टर भी आएंगे, इंग्लिश बोलनी पड़ेगी तेरी बहू को, बोल तो लेगी ना। हाँ बोल लेगी। सभी पड़ोसन अपने घर चली जाती है तो सरिता किंजल से कहती है, ओ काली नमक, कल मैंने पूरे शहर को अपने घर बुलाया है मेरी गोरी बहू को दिखाने के लिए, तो तू कमरे से बाहर मत निकलना, समझ आई बात। और गोरी बहू तू थोड़ा इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करना, क्योंकि रिपोर्टर आएंगे, पता है तू इतनी गोरी है ना कि अंग्रेजन लगती है। ठीक है माँ जी, मैं अंग्रेजी बोलूंगी। माँ जी मुझे भी बुरा लगता है, आप मुझे काली कहना छोड़ क्यों नहीं देती? आप चाहती है तो मैं नहीं आऊंगी पार्टी में। क्योंकि तू काली है तो काली ही बोलूंगी। अगले दिन सरिता बहुत बड़ा जश्न रखती है, जहां गोरी बहू के लिए रिपोर्टर्स भी आते हैं और उनके सामने स्पीच देने को कहते हैं। घबराकर पाखी मन ही मन में कहती है, इतने सारे लोगों के सामने मुझे बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं बोल पाऊंगी या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, एम आई पाखी श्रीवास्तव मीटिंग माई मदर इन लॉ सरिता देवी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, शी इज बहुत प्यार करिंग मी एंड नेवर डांटिंग मी। ये कितनी गंवार औरत है जिसे जरा भी इंग्लिश बोलने नहीं आती है, इससे ज्यादा अच्छा इंग्लिश तो छोटा सा बच्चा बोल लेता है। अरे शक्ल से गोरी है, इतनी अमीर लगती है, लेकिन है पूरी की पूरी अनपढ़ गंवार। सभी लोग हंसते हैं, तभी वहाँ एक लड़की आकर इंग्लिश में पाखी की बेइज्जती करती है, जो बात सरिता को अच्छी नहीं लगती और वो कहती है, हाँ तो क्या हुआ, मेरी बहू को अभी पढ़ना नहीं आ रहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को इस तरह कहने की। एडिट लड़की, देख रहे हो आप सब, जैसी गवार बहू है वैसी सास भी है, इडियट बोलना नहीं आता उसको, एडिट कह रही है। व्हाई दिस टाइप ऑफ पीपल हेयर ऑन अर्थ, शी बोथ आर डम। माँ जी की इतनी बेइज्जती हो रही है, मैं यहाँ चुपचाप और नहीं रह सकती। तभी किंजल वहाँ आकर नताशा से कहती है, हाउ डेयर यू टॉक लाइक दैट टू माई मदर इन लॉ, इवन थॉट दे डोंट नो इंग्लिश, बट माई मदर इन लॉ इज वेरी गुड इन कल्चर देन यू, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, टेल मी दैट यू आर द मोस्ट इलिटरेट हु डज नॉट हैव द मैनर्स टू टॉक टू एल्डर्स। तुमने मेरी जेठानी और माँ जी से जिस तरह बात की है ना, माफी मांगो उनसे, वरना तुम्हारी इज्जत की धज्जे उड़ाने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। ओह, तो काली बहू को भी इंग्लिश बोलनी आती है। बहू तुझे इंग्लिश बोलनी आती है और मैंने तुझे ना जाने क्या क्या कहा, तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, मुझे माफ कर दे बहू, आज तूने हमारी इज्जत बचा ली। मुझे भी माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं दीदी, ये पहली बार नहीं है जो मेरे साथ हुआ है, लोग काले रंग के लोगों को अपनाते ही नहीं है, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं। ये कहकर किंजल उन दोनों को माफ कर देती है, जिसके बाद सब काली बहू के साथ पार्टी में फोटो खिंचवाते हैं और सभी लोग बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी है शकुंतला देवी के घर की, जहाँ शकुंतला अपनी बहू समायरा के साथ रहती थी। दोनों सास बहुओं को साड़ियों का बहुत शौक था, ऐसे में सास नंबरी तो बहू 10 नंबरी थी। एक शाम की बात है, समायरा हॉल में बैठी हुई मीशो पर साड़ियां देख रही थी, तभी एक साड़ी देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं।
अरे वाह, ये तो वही शिफॉन की सिंपल सोबर साड़ी है जिसे मैं कब से पहनना चाहती थी, पर इसका प्राइस तो पता चले। जैसे ही बहू की नजर साड़ी पर पड़ती है, बहू की आंखें बड़ी हो जाती हैं। अरे क्या हुआ बहू, तू तो ऐसे बड़ी बड़ी आंखें निकाल रही है जैसे तेरा कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो। माँ जी, इस साड़ी की कीमत 2500 है। पहले तो मॉल वाले ही लूटते हैं, मगर अब तो मीशो पर भी लूट मच गई है। अरे बहू, 2500 ही तो है, कोई 5000 तो नहीं, और आजकल इस महंगाई में इतने में आता ही क्या है। फिर क्या था, सास के इस कहे पर बहू की कंजूसी की कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। माँ जी, आप कह रही हैं 2500 में क्या आता है, ये पूछिए क्या नहीं आता। 2500 में तो मैं सेल से 50 साड़ी खरीद लाऊं, वो भी एकदम झक्का साड़ी। ये सुनकर सास के मन में सस्ती साड़ी खरीदने का लालच उमड़ जाता है और दोनों सास बहू पहुंच जाती हैं बिग बाजार, जहां सस्ती साड़ी की सेल लगी थी और खरीदने वाली औरतों की लूट मची हुई थी। आओ 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 मेरी प्यारी प्यारी बहनों, और ले जाओ 50 की 50 की, 1 और 100 की, 2 सस्ती ब्रांडेड साड़ियां। 50 की 1 और 100 की, 2 सस्ती ब्रांडेड साड़ियां। अरे बहू, हमारी तो लॉटरी लग गई, चल जल्दी जल्दी अच्छी साड़ियां छाड़ ले। सस्ती होने की सेल देखकर दोनों सास बहू पूरे 5000 की साड़ी खरीद कर खुशी से इटलाते हुए घर आती हैं, जैसे उनके हाथ कोई खजाना लग गया हो। घर आते ही शकुंतला नीले रंग की एक साड़ी पहन लेती है। बहू जरा बता, इस साड़ी में तेरी सास कैसी लग रही है। माँ जी, सच कहूँ तो इस साड़ी में आप सायरा बानो लग रही है, कहीं से भी ये साड़ी सेल की लग ही नहीं रही। बहू की झूठी तारीफ सुनकर सास चने के झाड़ पर चढ़ जाती है। दोनों सास बहू रोज रोज सस्ती सेल में लाई हुई रंग बिरंगी साड़ियां पहनती। एक दिन शकुंतला गली से गुजर रही थी कि तभी मेनका और शीला की नजर उनकी साड़ी पर गड़ जाती है। अरे वाह शकुंतला, तेरी साड़ी तो बड़ी फब रही है तुझ पर, कहां से लाई। पड़ोसन के मुंह से साड़ियों की जरा सी तारीफ सुनकर सास शो ऑफ करती हुई कहती है, अरे ये साड़ी रेडिसन मॉल से ली है, पूरी 25000 की है, देखो कितनी शाइन है इसमें। पैसे इतना खर्चने की क्या जरूरत थी, मैंने ऐसी टिट्टो साड़ी बाजार में सस्ती साड़ियों की सेल में देखी थी। सास कहीं ना कहीं समझ जाती है कि दोनों पड़ोसन उसी पर निशाना साध रही हैं, इसलिए वो वहां से चली जाती है। मगर एक बार जो किसी चीज का चस्का लग जाता है तो कहां छूटता है। समय बीतता है, मगर 1 से 2 धुलाई में ही साड़ियों की चमक फ्यूज बल्ब के जैसे फीकी पड़ जाती है, जिस पर सास बहू को खूब सुनाती है। क्यूरी मेरी कंजूस बहू, तूने तो कहा था कि ये सेल की साड़ियां अच्छी टिकती हैं, मगर 1 से 2 धुलाई में ही ये साड़ियां घिसने लगी। उस सस्ती साड़ी वाले ने हमें ठग लिया, अरे चूना लगा दिया हमें। माँ जी, अब सस्ते सामान में कभी कभी घाटा तो होता ही है, अब जाने दीजिए। दोनों सास बहू को साड़ियों के पीछे बहस करता देख उनके पति कहते हैं, अरे दोनों सास बहू साड़ियों के पीछे क्यों चिक चिक कर रही हो। अजी तुम तो चुप ही रहो, ये मेरे पैसे पानी में चले गए तो दुख तो होगा ना। मगर माँ, किसने कहा था आपको सस्ती साड़ी खरीदने को। अनिकेत, अगर घर की औरतें 58 के पीछे सर नहीं खपाएंगी तो खर्चा भी पूरा ना पड़े, अब चुप रहिए। इस तरह बीते दिनों के साथ सस्ती साड़ी में झेला घाटा सास बहू भूल जाती हैं। तभी एक दिन लल्लू नाम का एक आदमी ठेले पर साड़ियां बेचने सास बहू की गली में आता है और सस्ती साड़ी देखकर सास बहू की नजर उस पर गड़ जाती है। माँ जी देखिए, ये फेरी वाला कितनी सस्ती और सुंदर साड़ी लाया है। अरे बहू, इन बनारसी साड़ियों को देखकर मेरा भी मन ललचा रहा है, चल देखते हैं। अरे ओ साड़ी वाले भाई, कैसे बेच रहे हो साड़ियाँ। अरे भैया, 100 रुपए की 4 साड़ी है चाची। क्या 100 की 4 साड़ियाँ, फिर तो सोने पर सुहागा हो गया। एक काम करो, ये सारी साड़ियाँ पैक कर दो। क्या सारी साड़ियाँ हैं, वही तभी देते हैं। ठेले वाला सारी साड़ी पैक करके सास बहू को दे देता है और दोनों सास बहू सारा दिन उन साड़ियों को खुद पर ट्राई करती हैं। इसी बीच शाम ढल जाती है और दोनों के पति घर आकर खाने की मेज पर बैठ जाते हैं। अजी सुनती हो अनिकेत की माँ, कहाँ रह गई,
आज हम दोनों बाप बेटे को खाना मिलेगा कि नहीं? सासू माँ, मैंने तो खाना बनाया ही नहीं है। प्लीज ससुर जी या निकेत जी को कह दीजिए ना, आज का खाना बाहर से ऑर्डर करवा दें प्लीज। अरे हाँ बहू, तो चिंता क्यों करती है, तेरी सास है ना। सुनो जी, आज के लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर लो। क्यों, तुम दोनों सास बहू कौन सी मीटिंग में बिजी हो जो हमारे लिए खाना नहीं बना सकती? ज्यादा मिचमिच ना करो, समझे? अब खाना मंगा लो। बेचारे बाप बेटे बाहर ऑर्डर किया हुआ खाना मंगा कर खाते हैं और दोनों सास बहू एक एक करके सारी साड़ियां ट्राई करके देखती हैं। दिन बीतते जाते हैं, जिसके साथ सेल की सस्ती साड़ियों का फितूर सास बहू पर हावी हो जाता है कि वो मंगल मार्केट भी नहीं छोड़ती और जहां सस्ती साड़ियां देखती नहीं कि लपक पड़ती। एक दिन जैसे ही शकुंतला सोफे पर बैठी तो हल्के खुचाव से उसकी साड़ी चर्र से फट जाती है। अरे ये साड़ी तो फर्जी निकली, पल भर में अपनी जात दिखा दी कि सेल की साड़ी है। ओह माँ जी, आप भी ना तिल का ताड़ बना रही हो। अरे साड़ी पुरानी हो गई है तो फटेगी ही, अब क्या एक ही साड़ी को घिसती रहोगी? ये लीजिए, मेरे पास एक साड़ी कोरी रखी थी, आप ले लीजिए। इतने पर बात वहीं पर खत्म हो जाती है। रात को ससुर और बेटे घर आते हैं और उन्हें पैसे देते हैं। अरे ये पकड़ो भाग्यवान, पूरे 20,000 रुपए हैं। कल जाकर तुम दोनों सास बहू अच्छी साड़ी खरीद लाना। ये 58-54 के पीछे सिर खपा कर फिर से ये सेल वाली सस्ती साड़ियां मत खरीद लाना, क्योंकि मंदा मौसी के घर जाना है और तुम्हें तो पता ही है ना, वो पहनावे पर कितना ध्यान देती हैं। अजी समझ गई, चिंता मत करो, हम अच्छी साड़ियां लेंगी। अगले दिन दोनों सास बहू नोटों की गड्डी लेके मॉल में आती हैं, जहां मॉल के अंदर साड़ियों पर लगे महंगे टैग को देखकर सास बहू के तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो कंजूसी करने की आदत जो हो गई थी, ऐसे में महंगा कहां हजम होता। अरे बहू, ये मॉल वाले तो लूट कर खा जाए, कोई भी साड़ी 10,000 से नीचे तो है ही नहीं। माँ जी, इन साड़ियों का रेट पढ़कर तो मेरे गुर्दे छिल रहे हैं। इससे अच्छा तो हमारी सेल की साड़ी सस्ते में काम बन जाएगा, ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। इस तरह एक बार फिर दोनों सास बहू घूम फिर कर सस्ती सेल की साड़ियां खरीदने चली जाती हैं और फिर सभी रिश्तेदारों के यहाँ शादी में जाती हैं, जहाँ बसंती बोलती है, अरे वारे शकुंतला, तेरी ये साड़ी तो बड़ी ही सुंदर है, नीली साड़ी पर लाल गोटा कितने की ली है तूने? ये पूरे 20,000 की साड़ी है बसंती मौसी, अब शहर में तो ऐसा ही है। अरे पुष्पा, तू क्या कर रही है? कुछ नहीं भाभी, अब आप इतनी लंबी लंबी फेंक रही हो तो किसी को तो लपेटना पड़ेगा, आप फेंको मैं लपेटती हूँ। अरे पुष्पा बुआ, इसमें फेंकने लपेटने की क्या बात है, हम सास बहू सस्ती साड़ियाँ नहीं पहनती, एक्सपेंसिव साड़ी पहनती हैं, साड़ी खरीदने में खुलकर खर्च करती हैं हम। बहू साड़ी का झूठा सा शो ऑफ कर ही रही होती है कि इतने में उसकी साड़ी फट जाती है और बेचारी बहू की खिल्ली उड़ जाती है। अरे समारा बहू, तेरी महंगी साड़ी तो फट गई, लगता है दुकानदार ने सेल की सस्ती साड़ी देके तुझे ठग लिया है। हाँ बुआ जी, ऐसा ही हुआ होगा। इस तरह कंजूसी और लालच के चलते रिश्तेदारों के बीच सास बहू की हंसी उड़ जाती है। इसलिए तो कहते हैं, महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। उस दिन के बाद से दोनों सास बहू सस्ते सेल की साड़ियाँ खरीदना बहुत ही कम कर देती है। इस तरह सास बहू के सिर पर चढ़ा सस्ती साड़ी का चस्का खत्म हो जाता है।